इस क्वेश्चन में लिखा है कि देवेशी के पास कुछ 50 रुपए के नोट है, कुछ 20 रुपए के नोट है और कुछ 10 रुपए के नोट है। 50 रुपए और 20 रुपए का रेशियो गिवन है। 50 रुपए इज टू 20 रुपए का है 3:5। हमें फाइंड करने हैं नंबर ऑफ नोट्स। तो नंबर ऑफ 50 को हम लोग ले लेते हैं 3x और नंबर ऑफ 20 को ले लेते हैं 5x। अब टोटल नंबर ऑफ नोट्स है 25। तो 50 के नोट प्लस 20 के नोट प्लस 10 रुपए के नोट है 25। 50 के नोट को हमने 3x लिया है, 20 को 5x और 10 के हमें नहीं पता कितने हैं। टोटल है 25। अब यहाँ 5 + 3 8x प्लस नंबर ऑफ 10 रुपी नोट है 25। तो नंबर यहाँ से नंबर ऑफ 10 रुपी नोट हमें मिल जाएगा 25 - 8x। 8x को राइट हैंड साइड लेके आएंगे तो साइन चेंज होगा। तो हमें मिल गए 50 रुपी के नोट 3x, नंबर ऑफ 20 के 5x और नंबर ऑफ 10 रुपी नोट है 25 - 8x। इतना पहले लिख लेते हैं। तो अब 50 के हो गए 3x, 2 के हो गए 20 के हो गए 5x और 10 के हो गए 25 - 8x। अब अगर एक 50 का नोट है तो अमाउंट क्या होगा? 50 दो है तो 2 × 50 100। तो 3x है तो 3x × 50 विच इज 53 is 150x। सिमिलरली 20 का एक है तो अमाउंट है 20। दो है तो 2 × 20 40। सिमिलरली 5x है तो 5x × 20 100x। अब 10 का भी ऐसे ही ले लेंगे, अमाउंट एक है तो 10, दो है तो 2 × 10 20। तो 25 - 8x का क्या होगा? 25 - 8x × 10। तो हमें तीन अमाउंट क्या मिल गया, 150x, 100x और 25 - 8x × 10। और इनका टोटल हमें गिवन है। तो पहले एक टेबल के हेल्प से ये सबको लिख लेते हैं, ठीक है। तो अब टोटल हमें गिवन है 590, मतलब 150x प्लस 100x प्लस 250 - 80x, इनका टोटल है 590। यहां से हमें एक इक्वेशन मिल गया, इसको सॉल्व करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। अब x कॉमन लेंगे तो 150 प्लस 100 माइनस 80 प्लस 250 है 590। अब 150 प्लस 100 250, 250 माइनस 80 है 170x। ये कांस्टेंट को हम लोग राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो ये होगा 590 माइनस 250। तो यहां से हमें मिल गया 170x इज इक्वल टू 590 माइनस 250 हो जाएगा 340। पहले इतना लिख लेते हैं। अब यहाँ 170 मल्टीप्लाइड है, राइट हैंड साइड जाके डिवाइड होगा तो 340 / 170, 0 0 कैंसिल, 17 2s। तो एक्स की वैल्यू आ गई 2। अब हमें नंबर ऑफ नोट्स फाइंड करने हैं। तो नंबर ऑफ 50 रुपी नोट हो गया 3 × 2 6, 20 रुपी हो गया 5 × 2 10, 10 रुपी नोट हो गया 25 - 8x, इसको सॉल्व करेंगे तो 9। तो 50 रुपए के 6 नोट्स हैं, 20 रुपए के 10 नोट्स हैं और 10 रुपए की 9 नोट्स हैं।